जनता कह रही है भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेला मोदी जी अपन कंठी माला। देश की जनता के सामने आपने जो घोषणा किया था आपका घोषणा धोखा है, और देश की जनता महसूस कर रहा है कि मेरे सामने ये धोखा देने वाली सरकार है। रुपया को चीज को 1230 में दे रहे हैं। महिला हमारी बहने जो यूजुअल योजना पर खाना बनाती थी, अब गांव में गोबर और गोईठा पर खाना बने लगा। कहा कि 1200 रुपया में मिला ही 1250। बेटी बचाओ, बेटी बच रहा है। पहलवानों को आपने क्या किया, देश देख रहा है। बिहार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नमन किया था इस बिहार को, और अंग्रेज को भगाया था, और ये महागठबंधन आपको हस्तिनापुर के गद्दी से फिर नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी जैसे योद्धा आपको हटाएंगे। उनका नाटक 24 में झूठा नाटक का फाटक टूटेगा, और महागठबंधन का शक्ति और हस्तिनापुर में महागठबंधन का झंडा फहराएगा। कुल महागठबंधन ने और नेताओं ने बचा दिया है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी जैसे आदमी कर रहे हैं। आप धैर्य। क्या नाम हो आपका? देखिए, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। हम जेडीयू का हैं, सक्रिय वर्कर हैं, लेकिन आज महागठबंधन का, पूरे महागठबंधन का, पूरे बिहार में ये धरना बना है, और ये धरना साबित कर रहा है मोदी जी, देश की जनता के सामने आपने जो घोषणा किया था आपका घोषणा धोखा है, और देश की जनता महसूस कर रहा है कि मेरे सामने ये धोखा देने वाली सरकार है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये धरना महागठबंधन CPI, CPM, RJD, जदयू, तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता वरीय नेता यहाँ बैठे हुए हैं, और ये धरना यह साबित करता है कि आपके खिलाफ 24 में बिगुल महागठबंधन ने बजा दिया, और यह बिगुल का सहनाई, यह बिगुल के सहनाई यहाँ नहीं जा रहा है, यह बिगुल के सहनाई भारत माँ के हृदय में जा रहा है, भारत के गांव में जा रहा है, और यह सहनाई आपका विदाई का तैयारी कर रहा है। इंतजार कीजिए, बिगुल महागठबंधन ने और नेताओं ने बचा दिया है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी जैसे आदमी कर रहे हैं। आप धैर्य रखिए। आपने क्या किया था, आपने उज्जवल योजना 500 रुपया को चीज को 1230 में दे रहे हैं। महिला हमारी बहने जो उज्जवल योजना पर खाना बनाती थी, अब गांव में गोबर और गोईठा पर खाना बने लगा। कहा कि 1200 रुपया में मिला ही 1250। आप महिलाओं को बेटी बचाओ, बेटी बच रहा है। पहलवानों को आपने क्या किया, देश देख रहा है मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फीडबैक दिया जा रहा है, नारा लगाओ, कौची के नारा, भूखे पेट भूखे भजन न हो ही गोपाला। जनता कह रही है भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेला मोदी जी अपन कंठी माला। वापस जाइए, देश महागठबंधन के पक्ष में लहर चलेगा, और बिहार, हमारा बिहार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नमन किया था इस बिहार को, और अंग्रेज को भगाया था, और ये महागठबंधन आपको हस्तिनापुर के गद्दी से फिर नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी जैसे योद्धा आपको हटाएंगे, और देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो अमन का होगा, सौहार्द वातावरण होगा। कुछ नहीं, वो उनका झूठा और उनका नाटक जो है, उनका नाटक 24 में झूठा नाटक का फाटक टूटेगा, और महागठबंधन का शक्ति और हस्तिनापुर में महागठबंधन का झंडा फहराएगा, और गरीबों का झंडा फहराएगा, मोहब्बत का झंडा फहराएगा, नफरत नहीं। भारत का संविधान नफरत नहीं सिखाया। बाबा साहेब ने नफरत नहीं सिखाया था, प्यार और मोहब्बत सिखाया था। अगर मोहब्बत का भारत होगा तो महागठबंधन बनाएगा। इसलिए ये धरना साबित कर रहा है कि अब हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, और आपका झूठा सरकार को बदलने के लिए महागठबंधन बिल्कुल 101% तैयार है। राजेश कुमार, हम जदयू पटना महानगर उपाध्यक्ष।
दाम उखाड़ फेंकना है। कैसे उखाड़ फेंकेगा? बस आंदोलन से। आंदोलन तो हम लोग का सबसे बड़ा हेतु है। उनका कह रहे फिर से मोदी जी आएंगे। उनके कहने से थोड़े होता है, जनता का थोड़े मतलब हेतु है। इस बार मोदी जी उखड़ जाएंगे।